हेलो, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू एवरीवन माय डियर शिवशा स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हो? सब मजे में ना? बच्चों आज हम सेम टू में जो बड़ा ई है, जो ई की जो बड़ी मात्रा, हमने आगे जो है वो छोटा ई देखा, अब हम बड़ा ई देखेंगे। तो ई कैसे होता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है, हम आगे भी पढ़ चुके ही हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम आज जो है वो पेज नंबर 20 से लेकर पेज नंबर 23 तक पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो पेज नंबर 20 है वो आपको खुद ही करना है। ओके, होमवर्क में पेज नंबर 20 से लेकर 23 से तक आपको खुद ही करना है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि मैं कैसे सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो आप देखिए ध्यान से, तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि हमें कैसे लिखना है और कैसे करना है या फिर हमें इसमें क्या समझना है। तो ई से ईक होता है। तो आपको जो है यहाँ पर जो पहला जो ई दिया गया है, बड़ा ई, यहाँ पर देखो ई की बड़ी मात्रा बराबर, तो जो ई है उसमें आपको क्या करना है, कलर करना है, कलर भी भरना है, कलर को पूरना है। फिर डू योर सेल्फ मैंने लिखा है, इसलिए आपको खुद ही करना है ये पूरा पेज। फिर यहाँ पर जो है वो बड़ा ई भी लिखना है, तो ये ईख हो जाएगा। ई से ईट भी होता है, तो यहाँ पर भी आपको ईट, ईट का जो ई है बड़ा ई वो लिख देना है। फिर उसके बाद पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर आपको जो ई जो है वो डॉट डॉट में दिए गए होंगे, तो वो आपको भरना है, लिखना है सभी को, सभी यहाँ पर बड़ा बड़े ई, बड़ा ई लिखना है सभी को। फिर हमारा जो क्वेश्चन है, पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट, क के साथ जब बड़ा बड़े ई की मात्रा जब जुड़ती है तब की होता है बराबर। तो यहाँ पर हमें की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, जी, टी, ठी, डी, ढी, हणी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, ई, री, ली, वी, शी, सी, शी, ही, क्षी, घनी, त्री अने श्री। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये राइट इन HW 3 times आपको यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट लाइन लिखी है उसी के हिसाब से आपको ये लिखना है। बच्चों अब जो आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पढ़ो, सीखो और लिखो। हमें यहाँ पर शब्द को पढ़ना है, फिर सीखना है और फिर उसके बाद ही हमें लिखना है। तो सभी जगह पर देखना, सभी जगह पर आप देखेंगे कि बड़े ई की, बड़ा ई की जो मात्रा है उसका उपयोग हुआ है। यहाँ पर देखो पहला शब्द ईश, तो आपको दो बार क्या लिखना है, ई स लिखना है। डफली, डफली, डफली। सबसे पहला जो है वो जो वर्ड है वो डॉट डॉट वाला है, उसको उसको आपको डॉट को जोड़ना है हर एक डॉट को, और फिर शब्द बन जाएगा और फिर दो बार लिखना है। ये तीसरा वर्ड आप मेरे साथ बोलिए और लिखिए, फकीर, फकीर। दरजी, दरजी। रजाई, रजाई। भाई, भाई। सहीद, सहीद। जमीन, जमीन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बड़े ई से शुरू होता होने वाले शब्द को हमें राइट का निशान लगाना है। टेक द वर्ड्स विच बिगिन विद द बड़ा ई, तो यहाँ पर जो ईमान है तो यहाँ पर बड़ा ई आया, तो हमें क्या करना है, टिक करना है, राइट का निशान लगाना। यहाँ पर झंडा है तो ये बड़ा ई की मात्रा तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये रॉन्ग है, कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पर। या फिर रोंग की निशान, रोंग का मार्क आप बना सकते हो। ये ईश है तो बड़े की मात्रा आई, ई आया, तो यहाँ पर ई है तो इसलिए राइट लगाओ। उत्तर में ई आया नहीं, तो ये रोंग है।
ईद में बड़ा ई आया तो राइट, ईना म है तो यहाँ छोटा ई है, बड़ा ई है नहीं, इसलिए ये रॉन्ग है। तो हमें यहाँ पर बड़े ई से शुरू होने वाले शब्दों को ही राइट का निशान लगाना है। फिर हमें क्या करना है, बड़े ई को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द को बनाना है। मेक द वर्ड्स बाय रीडिंग ई इन द डायरेक्शंस ऑफ एरो। तो यहाँ पर ई से हमें तीर के दिशा में पढ़कर यहाँ पर लिखना है। देखो ये ई है, तीर की दिशा में देखो पहला है ख, तो क्या बन गया ई ख, ई श्व र, यहाँ पर ईश्वर बन गया। फिर ई को द से जोड़ो, तो ई से द को जोड़ो तो ई द हो जाएगा। फिर ई सा ई हो गया ईशाई, ई स वी, और फिर ई शा न, बराबर। अब जो हमें उसके बाद का जो क्वेश्चन है, चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये इस चित्र को पहचानना है। चलो ये चित्र कौन सा है, आप सभी सब लोग जानते हैं ये मछली का चित्र है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, मछली, यहाँ पर बड़े ई की मात्रा आई ना, ये ली, बराबर ना। आपको पता है ना मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी और बाहर निकालो तो मर जाएगी, क्योंकि जीवन उसका क्या है, पानी है। तो ये मछली है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मछली। ये है बकरी, तो यहाँ पर देखो र के साथ बड़ा ई की मात्रा जुड़ी, र र जो है उसके साथ हम बड़े ई की मात्रा जुड़ती है तब ये बनता है री, तो यहाँ पर बकरी। फिर ये किसका चित्र है, हाथी, तो यहाँ पर आएगा हाथी लिखना है। फिर ये है वॉच है, घड़ी है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घ डी, ओके, तो ये घड़ी। तो हमें चित्रों के नाम पता चल गए, मछली, बकरी, हाथी, फिर ये घड़ी, ओके। चलो अब हम जाएंगे 22 नंबर के पेज पर, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 22 पर। जो हमारा क्वेश्चन है वो है, चित्र को देखो और वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाओ। लुक एट द पिक्चर्स एंड मैक वर्ड्स बाय यूजिंग लेटर। हमें चित्र को पहचानना है और शब्द बनाना है, ओके। सबसे पहला ये क्या है, घड़ी है, तो यहाँ पर घ डी लिखना है। फिर ये हाथी है, तो हा थी। ये पपीता है, तो प पी ता। ये लकड़ी है, तो ल क डी। ये दादी है, यहाँ पर ये औरत है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या, ई से जुड़ा हुआ होना चाहिए शब्द, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दा दी। फिर ये है, ये क्या है, ककड़ी, क्या है, ककड़ी। फिर ये लोमड़ी, ये गठरी है, गठरी, गठरी, ये तो आप सब लोग जानते हैं। ये क्या है, मछली, मछली। और ये जो है वो क्या है, टखनी है, टखना है, क्या है वो, टखना है, ओके। चलो अब हम आगे जाएंगे, चित्र पहचान कर हमें कोष्टक को भरना है। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड फिलिंग द बॉक्सेस। चलो सबसे पहले हमें इस चित्र को पहचानेंगे, तो ये क्या है, यहाँ डी, जो दोनों के एंड में क्या आएगा, डी आएगा, तो ये ककड़ी है, तो यहाँ पर क क डी हो गया। ये क्या है, लकड़ी है, तो यहाँ पर ल और क ही लिखेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा ना, लकड़ी। फिर नीचे देखो आप, ये क्या है, शरीफा, यानी कि सीताफल है ना, तो यहाँ पर हम स फा लिखेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा शरीफा। और ये क्या है, गठरी है, तो यहाँ पर ग और ठ ही लिखना है तो हमारा शब्द बन जाएगा गठरी। जब, हाँ बच्चों, जब आप नोटबुक में जब लिख रहे होगे तब आपको कहीं पर भी पिक्चर्स दौड़ने नहीं है, ड्रॉ नहीं करने हैं पिक्चर्स, सिर्फ नाम लिखना है, ओके। ये कौन सा चित्र है, मछली है, देखो तो यहाँ पर म और छ ही लिखना है तो मछली बन गया। यहाँ पर डफ लिखो तो डफली बन गया।
यहाँ पर न और थ लिखो तो नथनी हो गया जो यहाँ पर है, और ये भवानी है, माँ भवानी है, इसलिए यहाँ पर भ और वा लिखो तो भवानी शब्द बन जाता है। यहाँ पर देखो ये सिलाई का काम कर रहा है ना, तो ये दर्जी है, तो यहाँ पर र तो बीच में है ही, तो द और जी लिखो तो दर्जी हो गया। और यहाँ पर देखेंगे आप तो फ और की ही लिखना है, तो ये क्या हो गया फकीर, बराबर जो यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर म और क लिखो तो ये मकड़ी बन गया, और यहाँ पर घ और डी लिखो, घ सिर्फ लिखो तो घड़ी हो गया, तो ये हमारी वॉच हो गई। ओके, अब हमें आगे जो है वो क्या करना है, चित्र को देखना है, गोला करना है और वही शब्द हमें लिखना है। चलो सबसे पहले ये चित्र, ये कौन सा चित्र है, लकड़ी का है, आप लकड़ी यहाँ पर लिखना है, और लकड़ी जो है वो कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर, तो इसके ऊपर हमें क्या करना है, गोला करना है। फिर आप देखो ये चित्र कौन सा है, पगड़ी का है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पगड़ी लिखना है, क्या लिखना है, पगड़ी। और हमें जो यहाँ पर जो पगड़ी शब्द है उसके ऊपर गोला करना है। फिर ये जो चित्र है वो क्या है, शहनाई है, क्या है, तो शहनाई, हमें यहाँ पर शहनाई लिखना है, और फिर जो शहनाई है यहाँ पर लिखा हुआ उसके ऊपर गोला करना है। फिर आगे छुटा हुआ अक्षर लिखना है, जो आगे जो शब्द दिए गया है उसमें से जो यहाँ पर नहीं लिखा है, छुटा हुआ है, वही शब्द यहाँ पर लिखना है। ओके, राइट द मिसिंग लेटर्स, जो यहाँ पर ई द है तो यहाँ पर ई मिसिंग है तो ई द, हाथी हाँ मिसिंग है तो हमें हाँ ही लिखना है, ताली तो ता तो लिखा हुआ है, ली मिसिंग है तो ली लिखो और फिर बन जाएगा ताली, दादी तो यहाँ पर दी मिसिंग है तो दा दी, आगे जो आगे शब्द दिया गया है उसी के हिसाब से लिखना है, गठरी तो री लिखना है, शरीफा तो यहाँ पर भी री लिखना है, फिर यहाँ पर फकीर है तो की मिसिंग है तो यहाँ पर हम की लिखेंगे, और डफली है तो यहाँ पर ली मिसिंग है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ली लिखेंगे। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन हमारा है वो कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह भरे। अब यहाँ पर चित्र तो दिए गए हैं तो आपको चित्र को देखना है और फिर खाली जगह को भरना है। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, मीना खाली डैश ला, तो मीना क्या, तो ये किसका चित्र है, क्या है ये, एक है ना, हाँ हम गुजराती में उसे क्या कहते हैं, शेरड़ी कही आपने कही ना, हाँ एक। फिर तनीस डैश खा, तो क्या खाना, जलेबी, तो हमें यहाँ पर जलेबी लिखना है। हीना ककड़ी लाई, ककड़ी। मनीष पपीता खा, पपीता, बराबर। अब हमें यहाँ पर समान शब्द को जोड़ना है, यानी कि जो सेम वर्ड्स है उसको सेम वर्ड्स के साथ ही जोड़ना है। मैच द सेम वर्ड्स, ईद को ईद के साथ, एक को एक के साथ, डफली को डफली के साथ, गठरी को गठरी के साथ, दर्जी को दर्जी के साथ, फकीर को फकीर के साथ, और शरीफा को शरीफा के साथ जोड़ना है। मैच द सेम वर्ड, सेम वर्ड्स को ही, समान शब्द को ही जोड़ना है। और जो हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है वो है वाक्य को पढ़ो और लिखो, रीड द सेंटेंस एंड राइट। आपको यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उसको पढ़ना है और फिर यहाँ पर क्या करना है, बाजू में उसके बगल में ही आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर जो है वाक्य क्या है, नीमा चिड़िया उड़ी, तो नीमा कोमा चिड़िया उड़ी लिखना है। रहीम ताली बजा, तो यहाँ पर भी लिखना है रहीम ताली बजा, यहाँ से पढ़ना है और यहाँ पर लिखना है। मदारी तमाशा दिखाता है, तो मदारी तमाशा दिखाता है। बढ़ई लकड़ी छिलता है, बढ़ई लकड़ी छिलता है। आपको क्या करना है, कॉपी करना है, यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है, यानी कि यहाँ आपको बगल में ही उसको जैसा है सेंटेंस वही सेंटेंस आपको यहाँ पर भी लिखना है। ओके बच्चों, आपको मजा आया ना,
तो बच्चों आपको जो मैं पीडीएफ भेजने वाला हूँ उस पीडीएफ में से देखकर आपको वन टाइम टेक्स्ट बुक में और वन टाइम नोटबुक में लिखना है होमवर्क में। लेकिन आपको याद रखना है कि होमवर्क में जब नोटबुक में जब तक आप लिख रहे होगे तब कहीं पर भी अगर पिक्चर आता है तो वो आपको ड्रॉ करने नहीं है। ओके, गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स।